चलिए आज हम एक अलग तरह का नाश्ता बनाते हैं। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। यकीन मानिए दोस्तों, मेरे तरीके से आप बना करके खाएंगे, ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही स्वादिष्ट लगता है और ये बहुत ही क्रिस्पी भी बनता है। ये देखिए मैंने एक मटरी लिया है, इसको तोड़ के मैं दिखा रही हूँ, देखिए कितना खास्ता बना है। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। मैंने कैसे कैसे बनाया आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके आप भी उसी तरीके से बना। मैंने एक कप मूंग ले लिया है, इसको 4 घंटे तक हमने भिगो करके रख दिया था, उसके बाद धो करके इसको ले लेंगे। लेने के बाद मिक्सी के जार में डाल करके फाइन पेस्ट बना लेंगे। हल्का पानी डालेंगे, ज़्यादा पानी ना डालें। इसको एक बॉल में निकाल लें। निकालने के बाद आप इसमें बड़ा बड़ा चम्मच से 4 चम्मच के करीब गेहूं का आटा डाल दें। आप गेहूं के आटा के जगह पर के मैदा यूज कर सकते हैं। आधा चम्मच नमक डाल दें, आप अपने स्वाद के अनुसार नमक डाल दें। आधा चम्मच के करीब मैंने गोल मरीच दरदरा कूटा हुआ डाला है। आधा चम्मच मैंने साबुत जीरा को भून करके उसको दरदरा कूट के डाला है और आधा चम्मच साबुत जीरा भी डाल दें। 3 चम्मच तेल डाल दें। तेल डालने के बाद इसमें पानी बिल्कुल न मिलाएं। मूंग में जो नमी है उसी के साथ हम पूरा आटा गूंथ लें। आवश्यकता पड़ने पर थोड़ा सा आटा आप डाल सकते हैं। ये देखिए मैंने पानी बिल्कुल नहीं डाला है। मूंग के मिक्सर के साथ ही मैंने टाइट डो आटा का बना लिया है। इसको ढक करके 10 मिनट तक रेस्ट करने के लिए छोड़ दें। 4 चम्मच हमने कटोरा में तेल लिया है, इसमें 2 चम्मच हमने मैदा मिलाया है। मैदा मिला करके इसका मिला करके साइड में आप रख लें। इसको थोड़ा सा ज़्यादा पतला लग रहा था तो 1 चम्मच और हमने मैदा मिलाया है। ये तेल का क्रीम के जैसा तैयार हो जाता है, इतना ही गाढ़ा बनाना है। बना करके साइड में आप रख लें। इधर देखिए 10 मिनट आटा का हो चुका है। इसको हाथों की सहायता से फिर से एक बार मिला लें ताकि और नरम हो जाए। मैंने उतना आटा का 5 लोई बनाया है, आप चाहे तो ज़्यादा भी लोई बना सकते हैं। रोटी जो हम बनाते हैं ना उससे थोड़ा सा बड़ा लोई रखना है। 1 लोई ले लें। इसमें थोड़ा सा मैदा मिलाते हुए इसका रोटी से थोड़ा सा पतला जैसा इसको बना लेना है। मैंने कैसे करके इसको बेला है और कैसे करके फोल्ड किया है आप इसको ज़रूर ध्यान से देखें, ताकि आप मूंग मठरी जो बनाएंगे तो उसमें लेयर बढ़िया से बने। 1 चम्मच हमने वो तेल वाला घोल जो था वो हमने डाल दिया है। डालने के बाद उंगली की सहायता से इसको चारों तरफ से फैला लें, या तो ब्रश की सहायता से आप लगा लें। दोनों साइड का देखिए किनारी अच्छे से मोड़ दें। फिर से इसमें वो तेल का मिक्सर इसमें लगा दें। लगाने के बाद नीचे से भी फोल्ड कर दें और ऊपर से भी फोल्ड कर दें। फोल्ड करके थोड़ा सा आटा लगाते हुए इसको थोड़ा सा पतला बना लेना है। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करके ज़रूर बताएँ ये मूँग मठरी आपको कैसी लगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। देखिए हमने बेल लिया था, उसके बाद थोड़ा सा वो तेल वाला मिक्सर इसमें डाल देंगे। डालने के बाद जिस तरह से हमने पहले फोल्ड किया था उसी तरह से फिर से इसको थोड़ा सा मैदा का डस्ट करते हुए इसको फिर से उसी तरह से मोड़ लेंगे। देखिए दोनों साइड से हमने मोड़ दिया है। मोड़ने के बाद फिर से ऊपर से तेल का मिक्सर लगा लें इसमें। मिलाने के बाद ऊपर से और नीचे से दोनों साइड से हाफ हाफ करके मोड़ लेंगे। आप इतना मोड़ करके अगर इसको बनाएंगे तो इसमें लेयर बहुत ही ज़्यादा बनेगा। इसको थोड़ा सा मैदा मिलाते हुए इसको थोड़ा सा पतला बेल लेना है। देखिए बेला हुआ चला गया है। अब हम इसको चाकू की सहायता से लंबा लंबा पीस पे काट लेंगे। आप इसी तरह से जितना भी आपके पास लोई है इसी तरह से सभी को बेल करके बना करके रख लें। ये खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। सुबह के चाय में या शाम के चाय में आराम से बना करके खा सकते हैं। कोई भी गेस्ट आ जाए तो उसको भी दे सकते हैं। और 10 दिन तक डब्बा में भर के रख दीजिए और जब भी ज़रूरत हो आप इसको खा सकते हैं। सभी को प्लेट में निकाल लें। निकालने के बाद इधर देखिए मैंने गैस पर एक कढ़ाई चढ़ा दिया है, वो जब गर्म हो जाए
उसमें तलने के लिए तेल डाल दें। आपको जो भी तेल पसंद हो वो तेल आप ले सकते हैं। हल्का गर्म हो जाए, ज़्यादा गर्म नहीं करना है, हल्का जब गर्म हो जाए तो उसमें ये मठरी वाला लच्छा जो है ना वो उसमें डाल देंगे। ज़्यादा गर्म रहने पर होता क्या है कि तुरंत में ये सेका हुआ बढ़िया से नहीं जाता है, पूरा जल जाता है और क्रिस्पी नहीं बनता, इसलिए इसको जो है ना मीडियम लो फ्लेम में ही सेके। डालने के बाद तुरंत में इसको चलाए नहीं, थोड़ा देर इसमें 2 मिनट तक इसको छोड़ दें। छोड़ने के बाद इसका जितना भी परत है ना धीरे धीरे वो खुल जाएगा। देखिए 2 मिनट हो चुका है, इसको हल्के हाथे से इसको ऊपर से पलट देंगे। देखिए इसका सारा लेयर देखिए कितना अच्छा से खुल गया है। हल्का देखिए इसका कलर चेंज हो गया, अब ये परफेक्ट बन करके तैयार है। इसको तेल में से अब निकाल लें, निकाल करके एक प्लेट में रख लें। और जब ये ठंडा हो जाए तभी इसको डब्बे में भरे, गरम गरम ना भरे। गरम गरम रखने के बाद होता क्या है कि पूरा इसका नरम हो जाता है, इसलिए इसको अच्छी तरह से एकदम ठंडा होने दें तभी इसको डब्बे में रखें। दूसरा बैच भी हमने इसी तरह से बनाया था, उसको भी हमने डाल दिया। डाल करके देखिए हमने तल लिया है, तल करके आप इसको निकाल लें। इसी तरह से सारा बना लें, देखिए कितना क्रिस्पी बना है। बड़े बच्चे सभी को बहुत ही पसंद करेंगे, आप इसको एक बार ज़रूर बना करके ट्राई करें। मैंने गेहूं का आटा से बनाया है, ये मैदा से तो ज़्यादा हेल्दी होता ही है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। आप सभी को मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप मेरे चैनल पर नया नया रेसिपी और भी देख सकते हैं।